जायसवाल महिला समिति द्वारा समिति की पत्रिका जागृति के 8वें अंक का विमोचन समारोह रविवार को सिविल लाइन स्थित एक लॉज में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर की पूर्व महापौर और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, महिला आयोग की नवनिर्वाचित सदस्य शशि जायसवाल, समिति के मुख्य संरक्षक कृष्ण मुरारी जायसवाल, अध्यक्ष ब्रिजेश स्वरूप जायसवाल, रीना जायसवाल, अजय जायसवाल सहित समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात अतिथियों ने समिति की जागृति पत्रिका के 8वें अंक का विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समिति के विकास और एकजुटता पर जोर दिया। कार्यक्रम और राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। उनके इस समाज और देश के लिए महिलाओं के हमेशा हमेशा गोरखपुर के लिए भावना होगी। विदित है जब व्यक्ति संगठित होगा तो परिवार संगठित होगा और परिवार से समाज तथा समाज से राष्ट्र संगठित होकर समृद्ध एवं शक्तिशाली बनता है। भारत की राजनीति में जातिवादी समाज की रचना सुदृढ़ करने के लिए हमें विवश कर दिया है। आज सभी राजनीतिक निर्णय क्षेत्रवार जाति समीकरणों अथवा जातिगत शक्ति सामर्थ्य के आधार पर लिए जाने लगे हैं। वर्तमान भारतीय लोकतंत्र जनतंत्र पर जातिवाद भारी पड़ने लगा है। ऐसे परिस्थिति में जो जाति संगठन प्रभावशाली है, सत्ता शासन में उसकी अनुपात में भागीदारी हो रही है। आज समाज में परिस्थिति की मांग है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने तथा अपने कार्य व क्षेत्र के समाज में स्वजाति बंधुओं को जोड़कर उन्हें सुदृढ़ करने का प्रयास करें। उक्त बातों को ध्यान में रखकर गोरखपुर शाहपुर वाटिका स्थित राम और जायसवाल बालिका हाई स्कूल में दिनांक 18 नवंबर 2003 को जायसवाल बंधुओं की एक बैठक हुई, जिसमें स्वजाति भाइयों को संगठित व मजबूत कर आपसी सहयोग की भावना जागृत कर सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के लिए जिसकी पूर्ति हेतु जायसवाल विकास समिति गोरखपुर की स्थापना की। देन है वो मेरे भ्राता श्री की देन है, जिन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद हम लोग को आरक्षण दिलवाया। ये आरक्षण की देन है जायसवाल समाज के लोगों, ये अजय भाई की देन है, ये मैं साहब की देन है, जिन्होंने इन लोगों ने इतना संघर्ष करके हम लोग को इस लाइन यहाँ इस मुकाम तक हम लोग को पहुँचाया। वैसे मैं गोरखपुर की बेटी भी हूँ, मेरा यहीं से आर्किटेक्चर कॉलेज मैंने अपने एजुकेशन पूरी करी है और ग्रेजुएशन में मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की है। मेरी माँ लेक्चरर थी आर्ट कन्या इंटर कॉलेज में, अब तो रिटायर हो गई है। तो मैं स्वजाति बंधुओं से यही कहना चाहती हूँ, आपके खैर हमसे वरिष्ठ नेता यहाँ नहीं है, वैसे मेरे इलाके कभी कोई सहयोग हो, लखनऊ में मैं रहती हूँ, मेरा निवास स्थान हुसैनगंज के पास ही है, मदन अपार्टमेंट मैंने लिख दिया है उसके एड्रेस में। मेरे लिए कभी भी कोई भी सेवा आप लोगों से हो मैं तुरंत हाजिर हूँ। कि आप लोगों को पहले भी संरक्षक तो थी, लेकिन आज लग रहा था कि आप लोग इतना मजबूत हुए हैं इनके आने से, और शायद आप लोगों को लगा कि अब आप लोगों के साथ न्याय होगा, अब ज़्यादा लोगों की मनमानी जो चली है वो शायद वो ख़त्म हो जाए। चौधरी जी का स्वागत करते हैं, अन्य उम्मीद करते हैं कि मतलब हमारी महिलाओं से पूरे राज्य की महिलाओं को किसी प्रकार का न्याय नहीं होगा, उनके साथ हमेशा न्याय मिलेगा। आपको एक अधिकार विशेष मिला हुआ है कि आप न्याय भी करेंगी, उसके अंतर्गत सजा भी होती है, ऐसा भी कानून है जिससे आप उस वक्त हुई हैं।